Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 8th video of chapter 11th conic sections. In the previous video, part 7, we were discussed what is ellipse, what is standard equation of the ellipse. Today in this video, we are going to discuss various results related to the ellipse. That is, what is vertex of the ellipse, major axis, foci, directrix, लेटेस्ट रेक्टम, फोकल डिस्टेंस. जैसे हमने सेम पैराबोला में डिस्कस किए हैं, वैसे ही अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले, जैसे आपने पिछली वीडियो में कुछ बेसिक जो मैंने आपको समझाई थी डेफिनेशन, उससे हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. देखिए, हमने क्या किया था, हमने किया था एलिप्स कुछ ऐसे फॉर्म में होती है. ये कौन सी एलिप्स है? स्टैंडर्ड फॉर्म वाली. एक्स के प्लस ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, वेयर ए ग्रेटर देन बी. ये हमारी कुछ इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एलिप्स है उसकी डायग्राम हमने बनाई हुई है. हमें पता है जो ये दोनों होते हैं, ये क्या होते हैं, ए पॉइंट ए जीरो, ये ए डैश माइनस ए जीरो, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स होती हैं जेड डैश के जेड के, जिसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर ई, इस साइड एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर, बिकॉज यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है. ये फोकाई होते हैं, मतलब फोकस, ए जीरो माइनस ए की जीरो. ये हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में. ये बी है हमारा, जीरो बी जीरो माइनस बी, बिकॉज यहाँ वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है तो बी लिया है, यहाँ पे माइनस बी लिया है. यहाँ कोई हमने रैंडमली पॉइंट लिया है इस एलिप्स के ऊपर. इस ये पीएम क्या है, इस पॉइंट का जेड के डायरेक्ट्रिक्स साथ डिस्टेंस. ये पीएम डैश क्या है, इस पॉइंट का इस वाली डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो डिस्टेंस होगा. अब हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं. जैसे हमें क्या बोला गया है स्टार्टिंग में, साथ साथ में यहाँ पे करेंगे. देखो, ये तो वही लिखा है, फोर द लिप्स एक्स केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल्स टू वन, ए ग्रेटर देन बी. हम उसकी कुछ टर्म्स करने जा रहे हैं. वर्टिसेस क्या होता है, द पॉइंट ए एंड ए डैश वेयर द कर्व मीट्स द लाइन ज्वाइनिंग फोकाई एस एंड एच डैश. मतलब जहां पे जो मेरी कर्व बनी हुई है लिप्स फोकाई से पास होती हुई, ठीक है ना, जो फकाई कर्व से पास होती हुई इस कर्व पे मीट करती है, उसको हम ए ए डैश नाम देते हैं. जो हमारे राइट साइड होता है उसको ए नाम देते हैं, जो लेफ्ट साइड है उसको ए डैश. ए होता है ए जीरो, ए डैश माइनस जीरो. तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे. तो ये यहीं पे लिखे हुए है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मेजर एंड माइनर एक्सिस. द डिस्टेंस इज ए ए डैश इज इक्वल्स टू टू ए, बी बी डैश टू बी. हमें पता है ये कितना है, ए जीरो, मतलब ये पूरा हमारा ए है. ये भी कितना है, ए माइनस ए जीरो, मतलब डिस्टेंस तो ए है, वो तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है तो ए जीरो लिया, यहाँ पे माइनस जीरो. ये भी ए है, ये भी, तो टोटल कितनी होगी, टू ए. दैट्स वाई हमने क्या लिखा हुआ है, जो ए ए डैश है वो टू ए है, एंड हमने लिखा हुआ है बी बी डैश है वो टू बी है. क्यों, ये भी हमारा बी है, ये भी हमारा बी है, तो बी प्लस बी कितना हो गया, टू बी हो गया. दिखने में आपके डायग्राम ये शो करनी चाहिए, जो आपने ए डिस्टेंस लिया है वो बी से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म के क्या है, स्पेशल कंडीशन होती है. तो इन्होंने लिखा है द डिस्टेंस ए ए डैश टू ए, बी बी डैश टू बी, और कॉल्ड मेजर एंड माइनर एक्सिस. मेजर माइनर क्यों है, मैं अभी बताती हूँ. हमने किया हुआ है पैराबोला में, जैसे हमने किया था, जो डिस्टेंस होता है फिक्स्ड पॉइंट, किसी पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से एंड उसी पॉइंट का उस डायरेक्ट्रिक्स से, वो क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट रेशियो होता है, यानी कि ई. अगर ई वन के इक्वल हो जाए तो वो पैराबोला जाता है, बट अगर ई लेस देन वन हो जाए तो वो एलिप्स बन जाती है. ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. अब हमें पता है स्मॉल ए ग्रेटर देन स्मॉल बी, दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए ए डैश ग्रेटर देन बी बी डैश. तो जो मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, तो हमारी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, इस वाली कर्व के, इस वाली लिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो इतना पार्ट होता है ए ए डैश, मतलब टू ए. जो माइनर एक्सिस है वो इसकी लेंथ होती है बी बी डैश की, मतलब टू बी. बस अगर आपको माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस बोल रहे, आपने जस्ट क्या फाइंड करना है, अगर मेजर बोलिए तो टू ए, माइनर बोलिए तो टू बी कर देंगे. नेक्स्ट आता है फोकाई. ये तो आपको पता है, द पॉइंट्स एस एस डैश आर द फोकाई ऑफ द एलिप्स. जो ये रहे, एस क्या होता है, ए जीरो,
एस डैश का था माइनस ए जीरो। अब जो हम एलिप्स कर रहे हैं इसमें दो वर्टेक्स होंगे हमारे, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, दो फोकस होंगे, ठीक है ना। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है इसमें। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स, ये तो मैंने अभी बताई थी, जेड के एंड जेड डैश के डैश आर टू डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स एंड देयर इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर ई एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर ई रिस्पेक्टिवली। ये रही इसकी इक्वेशन, जेड के एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर ई, जेड डैश के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर ई। नेक्स्ट क्या है, सेंटर। द सेंटर ऑफ, हमें पता है सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन, मैंने पीछे बताया था सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से अगर कोई भी कोण पास होती है तो सेंटर उसे क्या कहता है, बाइसेक्ट कर देता है। वही लिखा है, सेंटर ऑफ ए कॉनिक सेक्शन इज ए पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कोण पासिंग थ्रू इट। बट एलिप्स में कहते क्या होता है, एलिप्स में एक स्पेशल केस है, अगर आपको एलिप्स ये वाली एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन है, देन हम क्या कहेंगे, जो भी कोण पासिंग थ्रू सी से होगी वो बाइसेक्ट करेगी एट सी जी जीरो। कहने का मतलब भी जो पॉइंट हमारा ये वाला है, ये ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर जीरो जीरो। जो भी इससे वर्टेक्स पास हो, सॉरी इस पे कोण पास होगी, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लो कोई भी, तो वो इस पॉइंट से अगर पास हो रही है तो पक्का जो कोड होगी वो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगी। तो दैट्स वाई जो सेंटर एलिप्स का वो क्या होगा, जीरो जीरो होगा। तो यही लिखा हुआ है, सी हमारा सेंटर ऑफ द एलिप्स है। नेक्स्ट हमें क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए ए डैश। अब देखो ए ए डैश ये पूरे इसका मिड पॉइंट क्या है, सेंटर। तो अगर हमें बोल दे कि सेंटर फाइंड करो और आपके पास क्या हो, ये दोनों वर्टेक्स गिवन हो, तो हम दोनों का मिड पॉइंट करके सेंटर निकाल लिया करेंगे। अब आपके लास्ट इज सेंट्रिसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही सेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला, तो आप स्टार मार्क कर लो ये वाला, क्या बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर वन माइनस ई स्केयर। हमने ये यूज, हमें ये पता कैसे आया है, मैंने ए स्केयर नीचे कर लिया वन माइनस ई स्केयर, अब ई स्केयर को इधर ले आओ बी स्केयर ओवर ए स्केयर को, स्केयर हटा के इसके ऊपर रूट लगा दो, तो ये आ गया सेंट्रिसिटी। एक और इसका सेकंड मेथड क्या है, इसको छोड़ो, अब देखो बी स्केयर ओवर ए स्केयर, मैंने ऊपर फोर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी फोर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको क्या लिख सकते हो, टू बी का होल स्केयर नीचे टू ए का होल स्केयर। टू बी हमें पता है, टू बी अभी हमने किया था, क्या होता है, जो टू बी मेरी माइनर एक्सिस है, टू ए मेरी मेजर एक्सिस है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनर एक्सिस का स्केयर नीचे मेजर एक्सिस का स्केयर, स्केयर टाके स्केयर रूट। तो समटाइम्स अगर आपके पास डायरेक्ट गिवन हो माइनर एक्सिस इज इक्वल टू एंड मेजर एक्सिस इज इक्वल टू दैट इज, देन फाइंड द सेंट्रिसिटी, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला लगाओ, आप पे डिपेंड करता है, तो आपकी सेंट्रिसिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमने स्टार मार्क क्यों किया है, कभी भी आपको जैसे बी ए ई इन तीनों में से कोई दो गिवन हो, आप इसमें से पुट करके, इस रिलेशन में से पुट करके एक वैल्यू इजी से फाइंड कर सकते हो। तो जैसे आपने पैराबोला का सीखा था वैसे लिप्स का हमने वर्टेक्स कर लिया। एक बार रिवाइज करती हूँ, ये दोनों होते हैं वर्टेक्स, ये होता है सेंटर, ये दोनों होते हैं फोकस, और ये होती है दो डायरेक्ट्रिक्स। सेंटर क्या होता है, जिसमें से ये ऐसा पॉइंट है जिसमें से कोई कोड अगर पास करते तो वो क्या होती है, बाइसेक्ट हो जाती है इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट। हमने ये किया था, डबल ऑर्डिनेट क्या होता था, पैराबोला को बता रही हूँ। डबल ऑर्डिनेट जो होता है, हम एक ऑर्डिनेट एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, वो पॉइंट अगर कोई कोड हम उस पॉइंट से पास करते हैं और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है तो उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं उस पॉइंट का। यहाँ पे क्या सीन है देखते हैं, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, पी हमने कोई पॉइंट पे लेना है एलिप्स पे, जैसे मैंने ये ले लिया पी कोई पॉइंट ले लिया एलिप्स पे, आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो, बट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, लेट पी एन बी परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस ए ए डैश। हमने पी एन क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से कि अगर पी एन प्रोड्यूस, कि पी एन को अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ाऊं मीट्स एलिप्स एट पी पी डैश। अब देखना आप कैसे, अब देखो ये रहा मेरा पी, ठीक है ना, अब मैंने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने वो क्या कर दिया, ये कर दिया एन पी पॉइंट एक लिया जिसपे से पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, इस पे जो हमारी थी, क्या लिखा हुआ था, मेजर एक्सिस ए ए डैश। अब देखो ये ए ए डैश पे परपेंडिकुलर, इन्होंने बाद में क्या बोला है कि इसको प्रोड्यूस, मतलब इसको आगे हमने लेके जाना है, ये ले गए, तो ये जब एलिप्स पे जब खत्म हो गई तो कहाँ जाके मीट करेगी, पी डैश पे। पी पॉइंट, ये पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं, जो पी पॉइंट होता है ये होता है हमारा एक्चुअल में जो होता है, इससे किसे
ऑर्डिनेट की डिस्कशन करते हैं, तो जो आपका सिर्फ पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने मेजर एक्सिस ए डैश, यानी जो आपका पी एन होगा वो तो ओनली होगा ऑर्डिनेट, बट जो ये पूरी कॉर्ड होगी आपकी कॉर्ड पी एन पी डैश, इसको बोलोगे आप डबल ऑर्डिनेट। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो, देन पी एन इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट ऑफ पी। क्यों? जो हम स्पेसिफिक पॉइंट पी को डिस्कशन कर रहे हैं उस पे ही होगा वो पॉइंट। आप कहीं भी लो, बस इस तरह से लो कि अगर आप उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो परपेंडिकुलर इस ए ए डैश मेजर एक्सिस पे ड्रॉ होना चाहिए। चाहे आप ऐसा 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 यहाँ से ले लो, चाहे नीचे से ले लो, और एलिप्स पे जहाँ पे जाके वो मीट करेगा, जो वो कोड बन जाएगी वो उस पॉइंट का डबल ऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ये रहा ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट। जो परपेंडिकुलर होगा आपका ओनली वो उसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो पूरी कोड होगी पी एन पी डैश इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ P। Now next definition is latest rectum। हमने पैराबोला भी latest rectum किया था ना, तो वहां पे latest rectum था, same यहीं पे concept है। ये भी एक double ordinate होता है। जैसे ordinate क्या होता है, वो एक particular हम किसी point की discussion करते हैं, जो एक point से perpendicular draw करते हैं major axis पे और वो lips पे meet करती है, same यही है। बस ये जो यहाँ पे point होगा वो पक्का pass through होगा focus से। तो जो फोकस से हम पास कराएंगे, जो हमारी कोड होगी कुछ इस तरह से, जैसे ये एस है तो पक्का एस से वो पास करता हुआ कुछ इस तरह से आएगा एल एल डैश। यहाँ पे हमें पता है कौन फिक्स है, ए ई फिक्स है, तो एल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ई ए। अब हमें जो पता नहीं, तो हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो जितनी इसकी लेंथ है वो y की होगी ना, मतलब एस एल, चाहे आप इसका नाम k रख लो चाहे एस एल रख लो, k रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख लिया k, हमने इसको ले लिया, लेट कर लिया, इसकी वैल्यू k है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा फोकस से पास होता हुआ कोड किसे एलिप्स को ज्वाइन करता है जिसके एंड, वो क्या होता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम। तो एल एस एल डैश लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ओनली एल डैश हमारा सेमी लेटेस्ट रेक्टम, मतलब हाफ हो गया। हमें पता है इसकी लेंथ 4a होती, सॉरी यहाँ पे 4a नहीं होगी, सॉरी वो पैराबोला था। तो हम देखते हैं इसमें इसकी लेंथ कितनी आएगी। अब देखो हमने क्या अभी वो लिखा ना, एल एस एल डैश द लेटेस्ट रेक्टम, एल एस क्या है सेमी लेटेस्ट रेक्टम। सिमिलरली यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते, बिकॉज दो फोकस है तो दोनों फोकस के हम दोनों लेटेस्ट रेक्टम निकाल देते हैं। यहाँ पे नाम एम ले लिया, यहाँ पे एम डैश, यहाँ पे फिक्स क्या है माइनस ए ई, यहाँ पे भी फिक्स क्या है माइनस ए ई, यहाँ पे नाम हम क्या ले लेते हैं क्या ले, यहाँ पे हम के डैश रख लेते हैं। अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमारी दो फोकस होगी, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम एल एस एल डैश, एम एस डैश एम डैश। अब हम कहते हैं एल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए एस एल, हमने लिख लिया जो एस एल है एंड एस एल डैश वो इक्वल है के के, तो हमारा जो एल कोऑर्डिनेट है वो हो गया ए ई के। अब एल जो एलिप्स के ऊपर है तो पक्का इसको एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू पुट कर दो, एल एक्स की जगह आ जाएगा ए ए, नीचे ए स्क्वायर, प्लस वाई की जगह जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर वन, ये कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर ओवर बी, इसको इधर ले जाओ ई स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर। हमें पता है बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर की वैल्यू होती है जो हमारी वो होती है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखना हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर एक हम ऐसे इसको ऐसे कर लो, हम ई स्क्वायर को उधर ले चलते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव रख रहे हैं ना, तो वन माइनस ई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे से हम वन माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं और इसको वन इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो अब वन माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी फोर ओवर ए स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर हटा के क्या लग जाएगा प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर
ओवर रे, ये केक की वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव आ गई एक नेगेटिव। तो हमें पता है जो यहाँ होगी वो होगी बी स्क्वायर ओवर ए, और जो जहाँ होगी वो होगी माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। तो ये हमारे लेटेस्ट रेक्टम के एंड आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लेंथ लिखते हैं, मतलब एल एल डैश पूरी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब पूरी एल एल डैश। अब हम पता है लेटेस्ट रेक्टम पूरी क्या होगी, ये कितनी थी, हाफ थी, तो मतलब इसका जो आएगा लेंथ उसका हो जाएगा ट्वाइस। हम क्या कर देते हैं, इसकी लेंथ एस एल की लेंथ के थी, ठीक है ना। तो हमें पता है एस एल प्लस एस एल डैश तो इक्वल है, तो सॉरी ये मिलके एल एल डैश बनेगा, ये के प्लस के इजिकल्स टू एल एल डैश, तो टू के इजिकल्स टू एल एल डैश आ गई। हम लिखेंगे एल एल डैश की वैल्यू क्या आ गई, टू टाइम्स के, के की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, बी स्क्वायर ओवर ए। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, टू बी स्क्वायर ओवर ए। चाहे आप बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या थी, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ए स्क्वायर, नीचे ए के साथ ए कैंसिल, तो हमारी एल एल डैश की वैल्यू क्या आ गई, टू ए वन माइनस ए स्क्वायर। चाहे आप इसको ये भी रख सकते हो, टू बी स्क्वायर ओवर ए। मैं अभी बताती हूँ क्यों, अगर तो आपको ए ई पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, अगर आपको ए बी पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल डिस्टेंसेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द लिप्स, मतलब कोई पॉइंट अगर लिप्स पे लेते हो तो उसका फोकस के साथ डिस्टेंस क्या होगा, एक तो फोकस ये रहा मतलब इसके साथ डिस्टेंस, एक फोकस हमारा ये रहा मतलब इसके साथ डिस्टेंस। तो किसी लिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका दोनों फोकस के साथ डिस्टेंस क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कैसे। हमें पता है कि अगर किसी भी पॉइंट का लिप्स के एक साथ, ठीक है ना, जो फिक्स्ड पॉइंट के साथ डिस्टेंस होता है मतलब एस पी ओवर जो डायरेक्ट से डिस्टेंस होता है पी एम, ये किसके इक्वल होता है, ई। बस आपने क्या करना है, एस पी इजिकल्स टू ई इंटू पी एम रखना है। उसके बाद आपने खुद करना है इसका, हमें पता है जो पी एम है वो किसके इक्वल है, एन के के। एन के क्या होता है, मतलब मैंने इतनी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, सी के माइनस सी एन कर देती हूँ, ई इंटू सी के माइनस सी एन। मैंने बोला था सेंटर से चाहे डायरेक्ट का डिस्टेंस लो चाहे आप किसी और पॉइंट का डिस्टेंस लो, ये तो एक्स होता है, ये क्या होता है हमारा ई, सॉरी एक्स माइनस ए ओवर ई। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, ई एक्स माइनस ए, सॉरी यहाँ पे गलत वाली पुटोगे, यहाँ पे ए ओवर ई आना था, यहाँ पे एक्स। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एस पी की वैल्यू क्या जाएगी, ई के साथ ही कैंसिल ई एक्स, तो ये एस पी की वैल्यू आ चुकी है। तो आपके एस पी की वैल्यू आ गई ए माइनस ई एक्स। तो अगर आप किसी पॉइंट का इस वाले फोकस और डिस्टेंस निकालोगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, एस पी इजिकल्स टू ए माइनस ई एक्स। अगर इस वाले साथ निकालोगे तो आपका चेंज कहाँ पे आएगा, एक तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा माइनस ए ओवर ई, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्स नेगेटिव होती है, माइनस ए ई होता है, तो इससे आपका जो बन जाएगा ए प्लस ई एक्स बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, इसको याद रखना, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, मतलब अगर किसी पॉइंट का दोनों फोकस के साथ डिस्टेंस निकालते हो तो हमारे पास ये आ जाता है, अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, टू ए। तो मगर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एस पी प्लस एस डैश पी इजिकल्स टू टू ए। ये क्या होता है कि दोनों फोकल डिस्टेंस का किसी भी पॉइंट के साथ उनका सम है वो ट्वाइस ऑफ क्या होता है, सॉरी मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, मतलब टू ए। ठीक है, ये रही आपकी सेकेंड एलिप्स, जो कौन सी है, जब ए बी से छोटी होती है, लेस देन बी। इक्वेशन सेम होती है, बस ए बी से क्या होती है, छोटी। जैसे मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस वाई स्क्वायर ओवर लाइक यहाँ पे मैं नाइन लिख दूं, तो फोर को हम लिखेंगे टू का स्क्वायर, नाइन को लिखेंगे थ्री का स्क्वायर,
तो बी बड़ा हो गया ए से। तो आपको साफ दिख रहा होगा जो ए की लेंथ है बी से छोटी है, तो आपकी एलिप्स क्या बन जाएगी। अब पहले हमारी एलिप्स कुछ ऐसी थी जब ए बी से बड़ी थी, जब ए बी से छोटी है तो एलिप्स आपकी ये हो जाएगी। आपके जो वर्टेक्स है वो तो वैसे ही रहेंगे हमारे, ए ए डैश बी बी डैश, ये तो ए जीरो बी जीरो वो वैसे रहेंगे। फोकस चेंज आ गया, जैसे पहले फोकस हमारे एक्स एक्सिस पे लाइक करते थे, अब हमारे फोकस वाई एक्सिस पे हो गई। यहाँ से एस एस डैश वहां थे ए ई जीरो, यहाँ पे हो गए जीरो बी ई जीरो माइनस बी। सिमिलरली हमें पता है जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी दो होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये कौन सी लाइन है हमारी, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वो हमारी वाई की लाइन है, तो वाई इजिकल्स टू बी ओवर ई। और ये होती है वाई इजिकल्स टू माइनस बी ओवर ई। यहाँ पे अब मेजर एक्सिस कौन सी होगी, बी बी डैश, यहाँ याद रखना मेजर एक्सिस बी बी डैश, बिकॉज इसमें जो मैं अभी बताती हूँ, एंड माइनर एक्सिस ए ए डैश टू ए, ए किससे छोटा है बी से, तो टू ए भी किससे छोटा होगा टू बी से, तो ए ए डैश किससे छोटा हो गया बी बी डैश से, तो ए ए डैश बन गई हमारी छोटी बी बी डैश से, तो हमारी माइनर एक्सिस होगी ए ए डैश, मेजर एक्सिस होगी बी बी डैश। सेंटर इसका जीरो जीरो, ये बीच में ही होगा। तो अब टर्न आती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स की दोनों की। अब देखो अभी यहाँ पे क्या है हमारा, दोनों मैंने इक्वेशन लिखती इनका सेंटर, सेंटर हमें पता है दोनों का जीरो जीरो। अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पे होगा ए जीरो माइनस ए जीरो, यहाँ पे होगा जीरो बी एंड जीरो माइनस बी। फोकाई क्या थी यहाँ पे, ए ई जीरो माइनस ए ई जीरो, यहाँ पे थी जीरो बी ई जीरो माइनस बी ई। एंड नेक्स्ट सभी इस तरह से हम लिख देते हैं, ये रहे आपके फॉर्मूले, जल्दी से इनको क्या नोट कर लीजिए, दोनों हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स एलिप्स की उसकी है। अब इसमें याद रखना आपने एक बात कि जो ये वाली थी इसमें मेजर एक्सिस कौन सी थी, ये वाली मतलब एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस। इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो वही हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, एक्स एक्स मतलब वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई एक्स मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक था, हमने सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स दोनों कर ली, सभी जो बेसिक पॉइंट्स थे एलिप्स के, जो भी छोटे छोटे माइनर टर्म्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।